अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लर्न करेंगे PL SQL फंक्शन। PL SQL फंक्शन वेरी सिमिलर है टू PL SQL प्रोसीजर से। मेन डिफरेंस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया प्रोसीजर एंड अ फंक्शन। फंक्शन जो है वो ऑलवेज रिटर्न कर रहा है वैल्यू को। ऑन द अदर हैंड प्रोसीजर जो है वो मे और मे नॉट रिटर्न कर रहा है वैल्यू को। Accept this, all the other things of PL SQL procedure are true for PL SQL function too. Syntax यहाँ पे represent किया गया जिसमें create कर रहे हैं function को, create और replace function, function name, parameters, parameter name in out type, return data type is as begin, function body and function name. Here first है function name, ये specify कर रहा है name of the function को और रिप्लेस ऑप्शन अलो कर रहा है मॉडिफाई कर रहा है एग्जिस्टिंग फंक्शन को। ऑप्शनल पैरामीटर लिस्ट कंटेन कर रहा है नेम मॉड एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। इन रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू पास कर रहे हैं आउटसाइड से एंड आउट रिप्रेजेंट कर रहा है पैरामीटर यूज कर रहे रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू आउटसाइड ऑफ द प्रोसीजर से। द फंक्शन मस्ट कंटेन अ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न क्लास स्पेसिफाई कर रहा है डेटा टाइप इसमें रिटर्न कर रहे हैं फ्रॉम दी फंक्शन से। फंक्शन बॉडी कंटेन कर रहा है एग्जीक्यूटेबल पार्ट को। एस कीवर्ड यूज कर रहे हैं स्टैंड ऑफ द इज कीवर्ड क्रिएटिंग अ स्टैंड अलोन फंक्शन के लिए। PL SQL रिकर्सिव फंक्शन हम जो है वो ऑलरेडी जानते हैं प्रोग्राम और सब प्रोग्राम कॉल एंड सब प्रोग्राम है। जब सब प्रोग्राम कॉल्स इटसेल्फ है जिसे हम कहते हैं रिकर्सिव कॉल एंड द प्रोसेस इज नोन एज रिकरियन। सिंटैक्स फॉर रिमूविंग योर क्रिएटेड फंक्शन। अगर हम चाह रहे रिमूव करना चाह रहे हैं क्रिएटेड फंक्शन को डेटाबेस में तो यूज करेंगे फॉलोइंग सिंटैक्स ड्रॉप फंक्शन फंक्शन नेम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।